जर्नल साइंस फिजिक्स के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू यूनिट विच इज़ यूनिट नंबर 6, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज का कंटेंट हमारा क्या रहेगा, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि आपका टाइम पीरियड है, फ्रिक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है क्योंकि सिर्फ 2 ही पेजेस हमें स्टडी करने हैं। सो आप सभी से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते चलें, ये नोट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूफ होंगे। स्टार्ट करते हैं विद टुडेज फर्स्ट सब टॉपिक जो कि है हमारा पीरियोडिक मोशन। देखिए आपका ये जो पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन है ये थोड़ा थोड़ा सेम है, लेकिन जिस तरह से हम पढ़ेंगे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमारे पास आता है कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। सो पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक से आप क्या समझते हैं, पीरियोडिसिटी से आप क्या समझते हैं, कोई चीज़ जब खुद को बार बार रिपीट करे, है ना। तो पीरियोडिक मोशन एक ऐसी मोशन होती है जिसमें एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद कोई चीज़ खुद को बार बार रिपीट करती है। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, अच्छे से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सूर्य के अराउंड हमारी अर्थ हर एक साल में एक चक्कर कंप्लीट करती है, हर एक साल के बाद सेम चीज़ को रिपीट करेगी, हर एक साल के बाद एक चक्कर कंप्लीट करेगी, हर एक साल के बाद एक रेवोल्यूशन लगाएगी, है ना। तो क्या हो रहा है, क्या ये पीरियोडिक मोशन है? यस, इसमें अर्थ एक ऐसी मोशन ले रहा है जिसमें वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम हो गया आपका एक साल, हर एक साल के बाद अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है। वैसे ही आता है रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस पे हम पढ़ते हैं, हमारी एक्सिस थोड़ी सी टिल्टेड है, अपनी एक्सिस पे अर्थ जो है हर 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा करती है, है ना। मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ क्लॉक, जो घड़ी की सुइयां होती हैं उन्हें हम हैंड्स बोलते हैं, तो ये मिनट हैंड, जो मिनट वाली सुई होती है, है ना, वो एक घंटे में पूरा जो है चक्कर कंप्लीट करती है। सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में कंप्लीट करती है, आर वाली सुई 12 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करती है, है ना। जैसे मान लीजिए अभी आपका 1 बजाएगी, है ना, इस तरह से, तो अभी 1 बजे दिन का, जिसमें दिन का दोपहर वाला, अब दूसरा 1 बजेगा रात का, तो हर 12 घंटे बाद एक चक्कर कंप्लीट हुआ ना। तो कोई भी ऐसी मोशन जो खुद को रिपीट करें एक रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। और एक और तरह से हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं एज इन मोशन रिपीटेड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल के टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या इक्वल टाइम पीरियड के बाद, हर 2 घंटे, हर 10 घंटे, हर 10 मिनट, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद कोई मोशन खुद को रिपीट कर रहा है, देन सच काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो, क्योंकि अब हम ऑसिलेटरी मोशन पढ़ेंगे और फिर आपका कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए अगर आप ध्यान से थ्रू एग्जाम्पल्स इस चीज़ को समझते हो। अब देखो दूसरा मोशन जो हमें पढ़ना है, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है? पहली चीज़ तो ये पीरियोडिक मोशन ही है, पीरियोडिक मोशन का ही एक टाइप है ऑसिलेटरी मोशन। ये ऐसे पीरियोडिक मोशन है जिसमें टू एंड फ्रो मोशन होती है बॉडी की, टू एंड फ्रो माने आगे पीछे इस तरह से, है ना। ऑसिलेटरी मोशन एक ऐसी पीरियोडिक मोशन है जिसमें किसी भी बॉडी की टू एंड फ्रो मोशन होती है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। कोई एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, मान लीजिए पॉइंट है आपका ए, तो ए के इधर उधर टू एंड फ्रो जो है वो मोशन होगी किसी बॉडी की अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, इज नोन एज द ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेट कर रहे हैं, है ना। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, द मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक। ये जो आपकी दीवार होती है इस पे जो पेंडुलम वाली घड़ी लगी होती है उसमें जो पेंडुलम होता है वो इस तरह से नीचे को लटका होता है, इधर 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 इस तरह से घूमता रहता है, है ना। तो वो हमारी ऑसिलेटरी मोशन है। स्विंग इन द पार्क, पार्क में झूले होते हैं, सीसॉ होता है और भी बहुत सारे होते हैं, तो उसमें एक रस्सी से बंधा होता है ऊपर, है ना, स्विंग हम जिसको बोलते हैं, रस्सी से बंधा होता है, दो साइड से हम उस पर बैठते हैं, फिर आगे पीछे इस तरह से हम उस पर घूमते हैं, है ना, मजे से बैठते हैं, इंजॉय करते हैं। तो जो स्विंग है इन द पार्क इज ऑल्सो एन ऑसिलेटरी मोशन। कॉर्ड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बहुत सारे, जिनको हम जिनके बटन्स को प्रेस करते हैं, कॉर्ड्स को दबाते हैं, है ना, तो वो भी क्या है, हमारी ऑसिलेटरी मोशन है। जिस टाइम पे हमने दबाया वो नीचे गए, जैसे छोड़ा वो वापस आ जाते हैं, है ना। तो हमें क्या समझ आया, दैट ऑसिलेटरी इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन माने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद कोई चीज़ खुद को रिपीट कर रही है। ऑसिलेटरी मोशन माने इसमें एक फिक्स पॉइंट है, उसके आगे पीछे जो है वो बॉडी जो है वो घूमती रहती है, दैट इज नोन एज द ऑसिलेटरी मोशन, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में हमें सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी है, है ना, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, हम पढ़ चुके। अब हमारा आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लस
आप सब चाहें तो GS हैंडरिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, ये सारी PDFs आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसी के साथ आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट? चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? अब देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसी मोशन होती है जिसमें पार्टिकल टू एंड फ्रो मूव करता है, आगे पीछे की तरफ मूव करता है, एक स्ट्रेट या नियरली स्ट्रेट पाथ पे। एक स्ट्रेट पाथ होता है, कई बार थोड़ा सा कर्वी भी हो जाता है, जिसे हम स्ट्रेट ही समझ सकते हैं, नियरली स्ट्रेट ही है ना, लगभग लगभग स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है अबाउट अ मेन पोजिशन। एक मेन पोजिशन होगी, एक फिक्स पॉइंट होगा, उसके इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मूव करेगा अंडर ए रिस्टोरिंग फोर्स। इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाती है, ठीक है, और ये रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मेन पोजीशन की तरफ लगेगी। इसका मतलब क्या है, क्या है ये रिस्टोरिंग फोर्स और क्या है ये मेन पोजीशन? तो मेन पोजीशन तो हमने पहले ही पढ़ लिया, पेंडुलम वाला कंसेप्ट ले लो चाहे। एक मेन पोजीशन होती है, उसके इर्द गिर्द टू एंड फ्रो जो है आपकी बॉडी घूमती रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, अंडर अ रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब होता है कि कोई बॉडी है वो अपनी स्पेस में है ना, स्पेस माने कि वो अपनी शेप में है, उसकी कोई फिक्स शेप है। अब आप उसको छेड़ देते हो, जैसे आपका रबर होता है ना, रबर बैंड होता है, तो सर पे लगाती है लड़कियां रबर बैंड, देखा होगा। तो अगर आप उसको छेड़ दोगे या उसको खींचोगे ना, तो उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, कोशिश करेगी कि जो उस रबर बैंड की ओरिजिनल शेप है वो उसमें वापस आ जाए। अब अगर आप उसको थोड़ा सा खींचोगे ना, तो उसमें थोड़ी सी ऑसिलेशंस होंगी। अगर आप उसको बहुत जोर से खींचोगे तो वो बहुत जोर से एकदम से वापस आएगा। ट्राई करना, या फिर ये तो मैंने आपको जनरल एग्जाम्पल दिया। अब सिंपल इससे भी एक जो एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं एक्चुअली, वो है हमारा स्प्रिंग का। ये स्प्रिंग है आपका, ये इसकी मेन पोजीशन है, माने ये अपनी शेप में बढ़िया से सेट है, बढ़िया बैठा हुआ है, फिक्स है। अब हम क्या करेंगे, इसको छेड़ देंगे, इसको ना थोड़ा सा खींचेंगे। जैसे हम इसको थोड़ा सा खींचेंगे, स्प्रिंग कोशिश करेगा कि मैं वापस फिर से अपनी मेन पोजीशन, अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आऊं, जो मेरी एक्चुअल शेप थी, है ना। तो यहाँ पे लगी उसकी रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, चाहेगी कि मैं वापस अपनी जो एक्चुअल पोजीशन है उसमें आऊं, है ना। अब जितनी ज्यादा फोर्स हम लगाएंगे उतनी ज्यादा ऑसिलेशन होगी। इसको थोड़ा सा खींचेंगे ना हम, तो ये थोड़ा सा वापस जाके अपनी शेप ले लेगा। अगर हम बहुत जोर से खींचेंगे स्प्रिंग को, ये बहुत झटके से वापस जाएगा और अपनी शेप लेगा वापस, जो इसकी ओरिजिनल थी, है ना। तो रिस्टोरिंग फोर्स, समझ में आया कि क्यों रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मेन पोजिशन की तरफ लगती है, हमेशा ये अपनी एक्चुअल शेप में जाने की कोशिश करती है। इसलिए आई होप सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ में आया है, पूरा ऑसिलेटरी मोशन जैसा, लेकिन इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स लगती है विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजिशन। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, इट इज अ मोशन इन विच अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो repeatedly on straight or nearly straight path about a main position under a restoring force which is always directed towards the main position. बहुत लंबी लाइन है लेकिन मैंने तोड़ तोड़ के समझाया, आई होप आपको समझ में आया है। अब हम बात करेंगे कि जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजिशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हैं, एक होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे मान लीजिए ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब अगर बी बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा, बी घटेगा तो ए भी घटेगा। एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दैट ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, तो हम इसको लिखते हैं 1/b। यहाँ पे मतलब है कि अगर बी इंक्रीज करेगा ए डिक्रीज करेगा, अगर बी डिक्रीज करेगा तो ए इंक्रीज करेगा। इन्वर्सली में चलता है एक दूसरे का उल्टा, डायरेक्टली में चलता है एक दूसरे के जैसा। सो यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स समझ गए, ऐसी फोर्स जो वापस अपनी शेप में आना चाहती है, है ना। तो रिस्टोरिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा किसी भी टाइम में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि हमने मेन पोजीशन से स्प्रिंग को कितना खींचा। अगर हमने बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट की है तो मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा रिस्टोरिंग फोर्स का, वो बहुत मुशक्कत करेगी वापस अपनी पोजीशन में आने की। अगर आप थोड़ा सा खींचोगे तो मैग्नीट्यूड कम होगा। समझना इस चीज को, 2 मिनट पढ़ना, जो मैंने कहा वो सुनना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जितनी भी हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशंस होती हैं वो ऑसिलेटरी भी होती हैं, पीरियोडिक भी होती हैं। जितनी भी सिंपल हार्मोनिक मोशंस होंगी ऑसिलेटरी भी होंगी, पीरियोडिक भी होंगी, लेकिन जितनी भी ऑसिलेटरी मोशंस हैं वो सब SHM नहीं होंगी, क्योंकि उन सब में रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगेगी, है ना। अब देखो ये रिस्टोरिंग फोर्स जब आ गई ना बात, तो इसका एग्जाम्पल आ जाता है आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया। यहाँ पे देखो
ये है आपकी मेन पोजीशन जो मैंने ये बॉक्स सा बनाया है। जब हमने ज़्यादा फोर्स दी तो ज़्यादा ऑसिलेशन हुई, इतना चेंज हुआ। तो यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए डिस्प्लेसमेंट के। ये फैक्टर आ गया अब यहाँ पे, है ना। ये जो स्टेटमेंट है इसको हमने यहाँ पे वेरिएबल्स के थ्रू शो किया कि आपके जो रिस्टोरिंग फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजिशन। ये है पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशन। x बढ़ेगा, f भी बढ़ेगा। अब ये जो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको हमने हटाया माइनस k से। माइनस k यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है? माइनस k का मतलब है कि ये जो बॉडी होगी ये हमेशा कोशिश करेगी कि मैं अपनी एक्चुअल पोजीशन, अपनी मेन पोजीशन पे जाऊँ, ठीक है। अब हम वेव रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, है ना, वेव रिप्रेजेंटेशन। अब देखो तीन हमारे पास यहाँ पे चीज़ें आती हैं, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। ये हमने पढ़ा हुआ है ना, प्लस वन प्लस टू में भी पढ़ते हैं, और इंजीनियरिंग वालों के लिए तो ये कुछ भी नहीं है, ये एटलीस्ट ये तीन चीज़ें। सो टाइम पीरियड क्या होता है? पेंडुलम कितना टाइम लेता है एक ऑसिलेशन, एक चक्कर पूरा लगाने में, दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। इसको हम डिनोट करते हैं टी से, और इसका ऐसा यूनिट है सेकेंड। टाइम को सेकेंड मिनट्स इसमें मेजर करेंगे, है ना। फिर आती है फ्रिक्वेंसी, इसको डिनोट करते हैं हम वी से। फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सिंपल पेंडुलम ने एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस की, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय द सिंपल पेंडुलम इन वन सेकेंड। इसका ऐसा यूनिट है हर्ट्स और पर सेकेंड। ये एस माइनस वन का मतलब होता है पर सेकेंड, ठीक है। ये वन बाय एस है, अगर आपने इसको ऊपर लेके जाना है तो आप एस माइनस वन कर देते हो, ठीक है। फिर आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजिशन। मेन पोजिशन से पार्टिकल कितना दूर गया मैक्सिमम, दैट इज द एम्पलीट्यूड। इसे हम ए से डिनोट करते हैं, और इसका ऐसा यूनिट है मीटर, ठीक है। तो मेरा मेन टारगेट था कि मैं आपको पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन समझाऊं। तभी मैंने ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला टॉपिक था, सब टॉपिक था, इस पर ज्यादा फोकस दिया, हर एक चीज को अच्छे से समझाया। अब आप मुझे बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है आपका इन चीज़ों को समझना। एक बार में समझ आ गई, तीन चार बार रिवाइज कर ली, फिर नहीं भूलते, है ना। लेकिन अगर समझी नहीं है, रट्टा ही मारे, तब तो फिर बार बार भी टाइम देंगे तब भी भूल जाएंगे। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सिंपल पेंडुलम हम पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फोर्स्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं, फ्री ऑसिलेशंस क्या होती है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं, आपकी रेजोनेंस क्या होता है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो अगर आपको ये सब कुछ पढ़ना है, चैनल को करें फटाफट से सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें प्रेस, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।